नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज की वार्ता विशेषकर केंद्रित है कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। अगस्त का महीना कैसा इन जनरल जा सकता है, आइए जानते हैं। आप कुंभ राशि वालों को मद्देनज़र रखते हुए ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके द्वितीय भाव यानी कि मीन राशि से गोचर करेगा। शुक्र, बुध, राहु आपके पंचम भाव यानी कि मिथुन राशि से गोचर करेगा। सूर्य आपके छठे भाव कर्क राशि से, चंद्रमा, केतु, बृहस्पति आपके ग्यारहवें भाव यानी कि लाभ स्थान से धनु राशि से गोचर करेगा। शनि आपके बारहवें भाव में मकर राशि से गोचर करेगा। ये रहेगा आपके ग्रहों की गोचरीय स्थिति अगस्त 2020 यानी कि आपके द्वितीय भाव, पंचम, छठा भाव, ग्यारहवा भाव और बारहवा भाव के जो फल हैं वो आपको अगस्त के महीने में विशेषकर देखने को मिलेगा। 1 से 7 अगस्त, 1 तारीख और 2 तारीख चंद्रमा और बृहस्पति आपके लिए गजकेसरी योग बना रहे हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय 2 दिन रहने वाला है, जो आपके लिए आने वाले महीनों में भाग्योदय की ओर संकेत कर रहा है। ऐसा भी चांसेस हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए या आपका बॉस आपके काम से बड़े प्रसन्न हो और आपको कई नए जिम्मेदारियां सौंपे। अगर आपका बिजनेस है उसमें उन्नति के आसार हैं, यदि आप नौकरी करते हैं उसमें भी प्रमोशन के चांसेस हैं। 3 तारीख और 4 तारीख को आपको कुछ समाचार आपके विपरीत मिल सकते हैं जो अनफेवरेबल हो सकते हैं। आपके दुश्मन आपको नुकसान करने की कोशिश कर सकते हैं 3 तारीख और 4 तारीख को, सावधान रहिएगा। कोई भी आर्थिक मामले हैं, फाइनेंशियल मैटर्स, उसमें सावधान रहिएगा। कोई झूठा साजिश करके आपको इम्प्लिकेट फंसा सकता है या आपके छवि को ख़राब कर सकता है। ऐसे भी चांसेस हैं कि 5 तारीख और 6 तारीख को परिस्थितियाँ काफ़ी बदली हुई रह सकती है आपके लिए। 7 तारीख को आपका भाग्योदय का समय रहेगा, चिंताओं का अंत होगा और आपके जीवन में एक नई खुशी के आने के भी चांसेस हैं। नौकरी में, बिजनेस में, शादी में या कोई भी नया काम शुरू हो सकता है। 8 से 15 अगस्त, 8 तारीख और 9 तारीख आपके ज्ञान में वृद्धि होगा, घर में मेहमान आएंगे, कई नई चीज़ें मिलने के चांसेस हैं, लोगों से आपका संवाद इम्प्रूव होगा, आपके दोस्तों का दायरा बढ़ेगा, शादी फाइनल हो सकती है, नौकरी के अंदर स्थान परिवर्तन हो सकता है, बिजनेस के अंदर उन्नति का योग है, आपके रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ अच्छे रहेंगे। 10 तारीख और 11 तारीख को कोई अच्छा काम करेंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी व्यवसाय में लाभ सूचित कर रहा है। ये समय पैसा प्राप्त करने के लिए बड़ा ही उचित समय है। कोई भी ऑफिस काम पेंडिंग है वो पूर्ण होने वाला है। आप जो भी काम करेंगे आपको लोगों का तारीफ मिलने जा रहा है। 12 और 14 आप किसी साजिश के शिकार हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। कोई आपका क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव्स अचानक बीमार हो सकता है। 15 तारीख को आपके रूटीन और लाइफस्टाइल में चेंज आएगा, आप कोई निर्णय लेंगे जो आपके जीवन को काफ़ी प्रभावित करने जा रहा है। 16 से 23 अगस्त, व्यूअर्स कुंभ राशि वालों, 16 तारीख को आप किसी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, ये अपॉइंटमेंट समाचार आ सकता है, नए लोगों से आपके कॉन्टैक्ट होंगे, मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आप हैंडल करेंगे। 17-18 तारीख को आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ेगा। हेल्थ आपके सीनियर फैमिली मेम्बर्स का ख़राब हो सकता है, डॉक्टर में के पास आप जा सकते हैं। कोई चेष्टा आपके द्वारा नई नौकरी, नया बिजनेस करने का शुरुआत हो सकता है। 19 और 20 तारीख को आपकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ चल रही है पार्टनर के साथ वो समाप्त हो सकते हैं। आपके हस्बैंड और वाइफ की भी जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, कोई नया बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। 21 और 22 तारीख को आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ समस्या आ सकती है, परिवार की समस्या भी आपको काफ़ी चिंतित कर सकती है। शांति रखिएगा, सब आपके पक्ष में जाएगा। 23 तारीख को वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, सामान्य समय रहने वाला है।
24 से 31 अगस्त 24 तारीख आप अपने सारे काम ऑब्लिगेशंस को पूरा करेंगे, पूरे चांसेस हैं काफ़ी नाम और प्रसिद्धि मिलने की। 25-27 अगस्त को काफ़ी बिजी रहेंगे आप अपने काम के द्वारा, कई गोल्स को आप अचीव करेंगे, लोगों का दया भी आपको मिलने जा रहा है, नौकरी में उन्नति होगी, बिजनेस में प्रॉफिट है, कुछ परिवर्तन भी नौकरी और धंधे में होने वाला है, किसी झगड़े हो सकता है। 30-31 तारीख को सावधान रहिएगा, मोटे तौर पर समय अच्छा जाने वाला है। व्यूअर्स, ये था कुंभ राशि वालों का एक जनरल प्रेडिक्शंस अगस्त के महीने का। समय जैसा भी हो भैरव उपासना शुरू कर दीजिए, राहु केतु का अच्छा फल देने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है भैरव। जिसको भैरव बाबा की कृपा मिल गई उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बुरा समय को भी अच्छा कर सकता है, कोई शत्रुघात नहीं कर सकता, और ये अगर आप लंबे समय तक करते हैं तो ये आपको बिलियनियर बना सकता है। भैरव मंत्र रोज़ एक टाइम पर करने से विशेष कृपा मिलती है, बाकी देवी देवता अपने आप आपके घर में खिंचे आ जाते हैं और आपके जीवन में विशेष परिवर्तन, सौभाग्यशाली परिवर्तन लाने में सक्षम है। अगर अभी तक आप पूजा कर रहे हैं, लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आया, तो आप भैरव उपासना आज से शुरू कर दीजिए। भैरव द्वारपाल है, बिना भैरव के परमिशन के बाकी देवी देवता आपके जीवन में कभी भी सौभाग्यशाली जंप आपको नहीं देंगे, ये मान के चलना। मेरे जीवन का एक लंबे समय साधना में रहा है और ये मैं हिमालय की गोद से मैं साधना करके आया हूँ, एक लंबा समय निकला है, आज भी निकल रहा है, ये सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है। गॉड की एग्जिस्टेंस है, पहले भी था, आज भी है, आने वाले युगों में भी रहेगा। चाहिए आप मंत्र जाप करके उसको खींचें, उनको देखें, उनसे वार्तालाप करें और अपने जीवन को स्पिरिचुअली चेंज करें। यदि खुद सत्संग नहीं कर सकते तो किसी योग्य पुजारी, संत, ब्राह्मण से करवाइए, जाप करवाइए, जिसने काफ़ी समय से पूजा किया हुआ है, इसका प्रभाव आपके घर में, आपके दुकान में, आपके इंडस्ट्री में रहे और आप दिन दुगनी प्रगति, चौगुनी प्रगति करें, खूब समृद्धि पाएँ, यही मेरी मंगलमय कामना मेरे चैनल के द्वारा आप सबके लिए है। अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।